खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। 110 के बजाय 77 का दे दिया, बाकी बचेगी जी जीरी ला रहे थे। अच्छा वो दूसरा गेट पास था जो मेरा खुद उसमें था, उसमें 88 था, उसमें दे दिया वो 58 का। कांग्रेसी का था आनो गए जो बोल रहे, जो देखा टीवी बोले ये कांग्रेसी बोल रहे हैं, एक बार धोबी के बोगे देख ले, एक बार बेरा पर जनवा दे उल्टे ले जाओ जो किराए पे है। किसान हो गए ना, मैं कृषि मंत्री जेपी, एक बार बोगे एक बार उल्टे ले जा गए, मंडी में लाकर उल्टे ले जा गए, बेरा पर जा किराए पे ले जा गए, दो दो किले में ट्रैक्टर लिए जाते नहीं, दो दो तीन तीन किले में, लेकिन बिरान माटी कर रखी है भाई, महाराज जी जान रहा है ऊँ ये दौड़े पर रहते दिखा फेरने को जाइए तो बोलो क्या कांग्रेस ही बोलता होगा, यूनियन तो उजाला बोलता होगा, लूटने का काम कर रहा है, बुरा हाल कर रहा, जमींदार का नो काम तनो कर दिया, मंडी खरीद होगी आज चालू हुई थी, इतने दिन हो गए पीड़ी जीरी ने, आज गेट पास हो वो गेट पास घाट खा दिया इसने, अपनी उठा के ले जाओ ई बोर मारे, मैं सीधे खा दूँ नहीं, मैं सीधा हूँ, फिर भी नहीं होता, मैं सीधा आ रहा हमारे तो, मैं सीधा आ रहा आज का 8 बजे का मैच गेट पास का, मैं सीधा बजे तो करे दे, मैं सीधा आ रहा हूँ दादा, हम चार मारा इतनी की तो बोला जी अपनी निगे दे दे, मैं सीधा आ गया, लेकिन वो तेरी पूरी को ना करी, 170 क्विंटल का मैं सीधा रहा और उसमें 77 क्विंटल ले दी एक जगह की, एक जो खुद मारी उसमें दी 88 में, उसमें 58 क्विंटल ले दी, बाकी भाई क्या करेंगे कि देखो अंबानी और अडवाणी ने देखाएंगे कि जपा गया तो देनी देनी पड़ेगी ना, तो डांगे कित ले जाओगे जितने ले जाने वाले हम जो साढ़े गया 7-10 दिन हो गया पटियाने अब ये पढ़ाओ भाई क्या तारीख तक खरीद शुरू आज आज करिए खरीद शुरू लिख इतने की रखी है, क्विंटल इतने दे रखे, मैसेज में इतने दे रखे, आड़े घाट दे लाग रहे दे दे मार दे, किसानों की गोली दे दे, साले अंजूने बैठे ना आवे ने उसकी पर्ची की जगह, इसकी जगह उस जगह मार दे किसान ने, इस तो बढ़िया और कोई दमा ही घना बढ़िया हूँ मारी फसकी लेने मारेंगे, इन्हें कि ठा के ले जावा भाई, और दमा ले रखे नहीं कुछ तो दमा ले रखे किले, देखो क्या उसमें क्या कुछ बस भाई जो है ठीक है, कानून ने मेरा ये सारे जमींदार मान गए, हमने कानून सही पास कर दिया, कानून और वो कर दिया MSP पे लिया, हाँ MSP पे या ब्रांड माटी हो रही है या देख लो ब्रांड माटी के, और लोग आगे देख पता पंद्रह का दिन लागे मंडी में कह के देखो 5 कटुआ लाग रहे हैं, 15 दिन हो गए कह देने 26-26 तारीख की जी रे, अरे 5 कटे लाग रहे थे उसमें क्या है, इस तक के ब्रांड माटी करेंगे ये नो भाई, बुरा हाल हो रहा कति ने, बुरा हाल तो भी जो जमींदार कमे दे यार दादे से ला दिए नो कहे हाँ मैं MSP रखेंगे रे, उसमें आज जो उठ गया रिक्वेस्ट करा के टिमगुठा गोली दे दे कि तेरे साले का सारी ये किसान सारे मर जा, ठाट तर होकर वो JP दलाल भी रियो भी भाई, दूसरा कौन है दुष्यंत तनु का था भाई, मैं वो भी उस वो भी उस वो रे अबे यार दो दे भी लाल का बोलो जो ब्लेम लगा रहे हैं JP दलाल का बड़ा लाल का है, खट्टर है खट्टर उसने की चालन दे उसकी चालन दे मेरे यार, उसी से दिए के कान कर के पेट जब रखे खाई था उसका तो उसे एक कान बिठा रखा है यार, नहीं तो चाबी हुआ चाबी दाब ले रहे हैं जेल सेंटर जेल की, अगर इस्तीफा दे तो भीतर इस्तीफा दे होगा तो भीतर कर देंगे, क्यों मैं घोटाले वाली है किचने तो भाई हो तो कति मार के गे रखे कति किसान तो आप पूछ लूंगा रुक जा, के नाम है कौन से गांव का, कथूरा कथूरे का, क्या समस्या रही है, समस्या बात रहा हमें स्टेज कुछ भी आया दे नहीं उसका 15 क्विंटल गेट पास काटते कित ले जाऊं मध्य बदरे ने ये बोले 40 किलो नु मैंने गेट पास पर मिला चटवाना चटवानी ने जा चल कित ले जाऊं बदरे ने करे छाती ठोक के कह रहा हूं कि मैं किसान हूं और आज मैं खून के आंसू रो रहा हूं। जी हां, यही कहना है गोहाना मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों का, चाहे वो बाजरा हो या धान हो। गेट पास बनता है, मैसेज आता है किसान को, लेकिन उसके बाद जो फसल लेके जानी है, जिसकी बिक्री होनी है, उसमें कटौती कर दी जाती है।
मान लीजिए कि 80 क्विंटल का मैसेज आता है तो 50 क्विंटल फसल ली जाती है। अब 30 बाकी की 30 कहाँ किसान लेकर जाए, ये समझ से परे है। छोटे किसान इसलिए परेशान हैं कि वो ट्रैक्टर को किराए पर लेके आते हैं अपनी फसल मंडी में लाने के लिए। इतना ही नहीं, किसानों को इसके साथ और भी कई बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। किसानों की माने तो किसानों ने कहा कि पहले मंडी में लेकर आते हैं, उतारने का पैसा लगता है, अगर फसल बच जाए तो उसे वापस लादकर अपने घर ले जाते हैं, उसका भी पैसा लगता है, और ना जाने कितने दिन तक इंतजार करना पड़ता है, घर में स्टॉक रखना पड़ता है, जगह नहीं होने के बावजूद भी उस फसल को सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे में किसान क्या करें क्या ना करें? दुखी किसान मार्केट कमेटी के दफ्तर में जाते हैं और वहां पे गुहार लगाते हैं अधिकारियों से, लेकिन अधिकारियों के भी हाथ बंधे हुए होते हैं। जब हमने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने किसानों की समस्या उच्च अधिकारियों तक पहुँचा दी है, लेकिन ऑनलाइन सब कुछ होने की वजह से इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन गेट पास बनता है, ऑनलाइन ही मैसेज जो है वो किसान को भेजा जाता है, और ख़रीद की प्रक्रिया भी पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है, जिसके माध्यम से मार्केट कमेटी के अधिकारियों के हाथ में मैनुअल कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऊपर से कार्रवाई होती है, जिसकी वजह से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन ने भी प्रदर्शन किया और कहा कि ये हालात आज किसान के हैं, 3 अध्यादेश आए हैं उसके बाद ये हालात किसान के हैं, जो सरकार छाती ठोक के कह रही है कि हम किसानों के साथ किसानों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हित की बात कितनी सही है ये आप खुद देख सकते हैं। क्या नाम है? रमेश जी। इसका नाम लूँ की रमेश है जी। समस्या जी, जो 31 क्विंटल 40 किलो था मैसेज दो आप ले, उसका वो गेट पास लेकड़वा दो लेकड़े 15 क्विंटल का, ये बाकी की उस बाजरी वो कहाँ ले जाए? ये दोनों आटे फिर भाई उसको ठीक कर देंगे हम, 5-6 एकड़ बड़े हैं। हाँ गेट पर भले भाई आपने कितने ले जाए हमारे लेखे पे बढ़ने दिए, जो गेट पास दिया ऐसे बोल लिया ना भाई, ये बाकी का कित गया, जो मैसेज जो आ रहा था हमारा 31 क्विंटल 40 किलो का आता दे रहे हो हमने गेट पास है वो 15 क्विंटल का, इसको कहाँ ले जाए भाई, कहीं ले जाए हमारे लेकर, ये बात हुई। एक नरेश का नाम था मैसेज, एक मैसेज आया 110 क्विंटल 81 किलो का और 77 का गेट पास दिया हमारे को। एक मैसेज आ रहा था खुद मेरे नाम का था, जो 88 क्विंटल कुछ का था, जीरे ले आ रहे हैं किराए पर दूंगे से ले आए हाँ, और भाई ई वोल्टी जाओगी ई मारती दे दिया 58 क्विंटल का गेट पास दिया 58 का, बोले ये तो ऊपर तो आ रहा 57 का ऊपर तो वो आ रहा, ये तो ऑर्डर जो कंप्यूटर 58 वो 58 में सेक्रेटरी थी फेटा था पर आड़े सारे बात करी थी। बोले नहीं फिर आ जाएगा, फिर आएगा जो मैसेज, जब वो जगह ही बैठ के इसने ठा के ले जावा अटके, फिर जब मैसेज आओगा तो फिर जाओ बेरान मट्टी गे रे मट्टी कर रखी है नो देख लो ये किराए पर उसमें ले आई हाँ, थोड़े दो दो किले आ और कराएगा कोई दो किले और इतनी होती तो फिर वो दो चार किले दम्मा लेके बहुए उसने उसमें दे ले आए थे किराए पर ले आए हाँ, ये बोलते फिर ये बात है उसमें इतने लेंगे उस 88 का आ रहा था मैसेज, 88 क्विंटल का था मगा ले चलो लाग जाएगी कि मैं थोड़े घने रहेंगे वो राख लेंगे और क्या होगा, वो दिया 57 मारती भाई। देखिए आप यहाँ गोहाना की मंडी में किसानों की समस्या देख रहे हैं, ये गोहाना की समस्या नहीं है, पूरा प्रदेश की मंडी में समस्या है। एक किसान एक नहीं अनेकों किसान हैं जिसका 35 क्विंटल का बाजरे का आया मैसेज आया है, उसका 15 क्विंटल ले रहे हैं, बाकी वो लेकर कहाँ जाएगा? 40 क्विंटल लिमिट रख रखी है, एक दिन में एक किसान की बाजरे की 40 क्विंटल लेंगे, वो हमने भी मान लिया कोई बात नहीं, लेकिन जब 40 से नीचे जिसका मैसेज आ रहा है वो तो पूरा लेना चाहिए ना, धान की कोई लिमिट नहीं है, मान लिया 100 क्विंटल किसी का मैसेज आया है धान का तो उसका 50 ले रहे हैं या 60 ले रहे हैं,
और वो एक दो किसान की नहीं है, सभी किसानों के ऐसा किया जा रहा है। अब वो बात आ गई है सामने, जो कहते हैं ना MSP भी रहेगा और सरकारी खरीद भी रहेगी, जितना इन लोगों ने पूर्ति पूरी करनी है सरकारी खरीद, बाकी अंबानी अडानी के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि अंबानी अडानी ने इनकी चूड़ी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि उसके गोदाम बन चुके हैं ना, वो कहता है मेरे लिए माल चाहिए। ये सरकार की पोल पट्टी खुल गई है, और अभी हमने SDM साहब को फोन किया है, SDM साहब ने वादा किया है कि जिस किसान का जितना मैसेज आया उतना बिकवाऊंगा, अगर हमारा समाधान हो जाता तो ठीक है, वरना अभी रोड जाम होगा, 100% होगा, अभी होगा। सर ये क्या समस्या आ रही है इन किसानों को? ये जो इनका मैसेज आ रहा है ना, ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल है उस पर से आ रहा है, और जो हमारे गेट पास का जो मैसेज आ रहा है वो ई खरीद से आ रहा है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमने इसकी शिकायत चंडीगढ़ कर दी और जल्द इसका समाधान करा दिया जाएगा। तो कब तक हो जाएगा? देखो आज हो जाएगा, हमने उच्च अधिकारियों से कई किसान आए, हाँ कई किसानों के साथ पास मेरे को शिकायत आई है, मैंने जब वहाँ हमारे ई खरीद पोर्टल है हमारे उच्च अधिकारी बैठे हैं उनके मैंने रिपोर्ट कर दी है, और उन्होंने बोला है टेक्निकल खराबी है, इसको जल्दी ठीक कर दिया जाएगा।